हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाए हैं, लेकिन आपको अगर इसको समझना होगा तो बहुत ही ध्यान से इसको देखना और सुनना होगा। आज का हमारा टॉपिक है युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज है। एक अवधारणा के रूप में इस मुहावरे के यथार्थ होने से तो इनकार करना मुश्किल है, पर इंसान होने के कारण से और वह भी भारतीय होने के कारण से इसको पचा पाना मुश्किल है। इसकी सब कुछ जायज होने वाली बात किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं हो सकती, भले ही प्रेम या युद्ध जैसी चरम महत्व वाली गति विधि ही क्यों ना हो। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कब कब आप युद्ध और प्रेम में इस तरह से जो कहा गया कि सब कुछ जायज है, इतिहास में उन घटित घटनाओं को लेकर हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे जिससे सभी बातें क्लियर होंगी। युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज होने के विचार पश्चिमी होने का आरोप है, पर अगर आप सभ्यताओं के इतिहास की तुलना करें तो पाएंगे कि यह विचार जरूर ही दुनिया को चीन दे रहा होगा, क्योंकि प्रारंभ से चीनी लोग छल, प्रपंच, षड्यंत्र को एक सामान्य जीवन शैली के रूप में लेते थे और यह आदत आज भी उनकी कूटनीति की प्रमुख शैली बनी हुई है। तभी तो महाशय चीनी राष्ट्रपति जी हमारे भारतीय प्रधानमंत्री के साथ भारत में बैठकर झूला भी झूल रहे थे और वहीं अपने सैनिकों को 25 मील करीब 40 किलोमीटर भारतीय सीमा में घुस आने के लिए भी निर्देश दे रहे थे। हालांकि सफलता या जीत सब कुछ मानने की अवधारणा सभी प्रारंभिक सभ्यताओं में आरंभ से ही थी। सत्ता एवं सुंदर स्त्रियों को कब्जा करने के लिए और अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाते रहने के लिए पुरानी सभ्यताओं के लोग कुछ भी करने को तैयार रहते थे। बाप बेटे की हत्या करवा सकता था, आंखें निकलवा सकता था, और इससे भी अनेक उदाहरण हैं कि हजारों बेटे अपने पिता के शव को पार कर सिंहासन तक पहुंचे हैं। यहाँ तक कि हम अपने शास्त्रों को देखें तो चरित्र एन केन प्रकारेण जीत या सफलता के लिए कुछ भी करने को तैयार दिखते हैं। भगवान भी अपनी मनुष्य लीला दिखाने के चक्कर में उनके जैसे ही कारनामे करने से कहीं पीछे नहीं थे। जैसे कृष्ण के कारनामों को आप चाहे जितना तर्कसंगत सिद्ध करना चाहे, पर कई जगह वे भी मान रहे थे कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज है। कृष्ण तो कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाने वाले रामचंद्र जी ने भी ऐसे ही कार्य किए जिससे यह पता चलता है कि वे भी कृष्ण की तरह अंततः परिणाम पर ही ध्यान देते थे। बस सभी को जीत किसी भी तरह से मिलनी चाहिए, चाहे वो छल से हो, चाहे बल से हो, किसी भी प्रकार से। इस मुहावरे का सबसे अधिक पालन तानाशाहों ने किया। हिटलर ने आर्य जाति के कथित उत्कर्ष के लिए 60 लाख से अधिक यहूदियों को गैस चैम्बर में झोंक दिया। इसके लिए उसके मन में कभी भी अपराध का बोध नहीं हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि जर्मन राष्ट्र के लिए यही सही रास्ता है। आज भी भारत में तथा दुनिया भर में कुछ लोग उसके विचारों से सहमत नजर आते हैं, उसके कथित राष्ट्रवाद को अपना आदर्श बनाना चाहते हैं। सोवियत संघ का तानाशाह स्टालिन भी इसी रास्ते पर चला। समानता स्थापित करने के लिए उसने लाखों लोगों की हत्या करवा दी तथा असंख्य लोगों को साइबेरिया का विस्थापन करा दिया। इसी तरह कंबोडिया में समतामूलक अर्थात समान सामाजिक माहौल बनाने का दावा करने वाले खमेर रूजों ने भी करीब एक तिहाई कंबोडियन को मार डाला और उनके सिरों को काटकर पहाड़ खड़ा कर आम जनता से अपनी जमीन देने के लिए विवश किया। समानता स्थापित करने के नाम पर यह सब कुछ किया गया। इस तरह के तानाशाहों ने इन चीज़ों को एक तरह के आदर्शवाद से प्रेरित होकर किया और अपनी विचारधारा की जीत तय करना और इसके लिए कुछ भी करना यह उनका सिद्धांत था। पर क्या यह मानवता का भी सिद्धांत था? कतई नहीं। ऐसे खलनायक अपने काले कारनामे के लिए हमेशा मानवता के शत्रुओं के रूप में गिने जाते रहेंगे। जब तक मानवता में सही मूल्यों का प्रभाव रहेगा, इसके विपरीत किसी भी साम्राज्य का शासक न होने के बावजूद भी आज गांधी जी दुनिया के लिए आशा की किरण माने जा रहे हैं। दुनिया भर की मानवता तथा स्वतंत्रता प्रेमी उनको अपना आदर्श मानते रहे हैं। वे चाहे अमेरिकी अश्वेत नेता मार्टिन लूथर हों, दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला हों, या म्यांमार की नागरिक आज़ादी के लिए सक्रिय आंग सान सू की हों, या दुनिया भर के कुष्ठ रोगियों के लिए ईश्वरीय वरदान की तरह आए बाबा साहेब आमटे हों,
ऐसा क्या था गांधी जी के पास कि जिससे लोग आज उनका उदाहरण ले रहे हैं, बल्कि वहीं पे हिटलर हैं और जो लोग हैं जो तानाशाह है उनका कोई एग्जाम्पल लेके आगे देश को क्यों नहीं चला रहा। वह था गांधी जी की साधन एवं साध्य दोनों की पवित्रता पर जोर, सत्य अहिंसा पर दृढ़ विश्वास, जो कहे वही करने की अटूट निष्ठा, अर्थात युद्ध और प्रेम में सब जायज है वाली अवधारणा का एकदम उल्टा गांधी जी के ऊपर इस तरह से ये आता है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक राजनैतिक आलोचकों भी उनके इस जज्बे को सलाम करते थे। भगत सिंह ने स्वयं हिंसा का पक्ष नहीं लिया था तथा अंततः अहिंसा के रास्ते को ही किसी समस्या का हल बताया था। उनके एक जीवनीकार ने बताया, मैं आज़ादी के लिए गलत या सही कुछ भी करने को बिल्कुल सही नहीं समझता, हमने जो किया वह आपका धर्म था। गलत तरीके से पाई गई जीत या उपलब्धियाँ भविष्य में तनाव ही पैदा करती हैं। छल से पाया गया प्रेम रोज एक घृणा को जन्म देता है। क्रोध या गुस्सा असहनीय होते हैं जबकि प्रेम में सहनशीलता होती है। द्वेष में भी शक्ति होती है। दुनिया की लगभग सभी क्रांतियों में शुरुआत यहीं से होती है, पर इन क्रांतियों की अस्थाई सफलता प्रेम पर ही निर्भर रही है। यही स्वतंत्रता पाने का अस्थाई तरीका भी रहा है। प्रेम के बिना नफरत जंगल की आग ही है। लोगों के मनों में गलतफहमी है कि जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसमें ब्रिटिश उलझाव का फायदा उठाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे सुभाष चंद्र बोस इसके लिए कुछ भी कर सकते थे और सही भी है, लेकिन वे मानवता की हत्या नहीं कर सकते थे। यही कारण है कि लगभग 2 वर्ष तक यूरोप में रहकर वे हिटलर, मुसोलिन, स्टालिन से भारत की आज़ादी के रास्ते के बारे में बात करते रहे, पर वे अंततः इन तीनों के रास्ते से कभी भी सहमत नहीं थे जो ये तानाशाह अलग अलग देशों में अपने अपने देशों में शासन कर रहे थे। रास बिहारी बोस पूरब में भारतीय सैनिकों को पहले से ही संगठित कर रहे थे, वरना सुभाष चंद्र जी तो तोजो जैसे तानाशाह का सहयोग लेने को पहले राजी नहीं थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के योद्धाओं या दुनिया को अपने कार्यों से रास्ते दिखाने वाले महान लोग, वे कभी भी गलत या चरमपंथी रास्ते से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते थे। हाँ, जहाँ सत्ता की बात जुड़ गई वहाँ कुछ और बात रही है। इसलिए इस मुहावरे में यह जोर देना चाहिए कि युद्ध, प्रेम व सत्ता के लिए कुछ भी जायज होता है, लेकिन सत्ता एवं राजनीति के लिए भी यह 100% सही नहीं है। कम से कम भारत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जहां तमाम भारतीय शासकों ने सत्ता के लिए धर्म का परित्याग नहीं किया। भारतीय लोग युद्ध में भी धर्म के अनुरूप आचरण करते हैं। शरणागत अर्थात बंदी बनाए गए सैनिकों पर हमला नहीं करते थे, भागते हुए शत्रु पर पीछे से वार नहीं करते थे, अंधेरे में या छिपकर हमला नहीं किया। पर यह बात अलग है कि इसकी उन्होंने भारी कीमत चुकाई, पर उनको इस आधार पर गलत भी ठहराया नहीं जा सकता। कुछ लोग तो किसी भी कीमत पर परिणाम लाने के लिए श्री कृष्ण जी का उदाहरण देते हैं, पर कृष्ण के हर कार्य के पीछे धर्म संस्थापना का उद्देश्य छिपा होता था। लोग उदाहरण भी देते हैं कि रामायण महाभारत से लेकर अंग्रेजी राज तक सत्ता का पूरा खेल षड्यंत्रों की मोहरों से चला है, न कि धार्मिक आधार पर। दुनिया का कोई भी युद्ध बहादुरी के बल पर नहीं बल्कि छल के बल पर ही जीता गया है। शक्ति में यदि छल न मिलाया जाए तो शक्ति का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है। वह कैसा प्रेम होता होगा जिसमें सब कुछ जायज हो, पर यह तो सच है, लेकिन इसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। इसे वासना, भौतिक आकर्षण कुछ भी कहा जा सकता है, पर प्रेम तो कभी नहीं। प्रेम एक सकारात्मक अवधारणा है या एक कोमल एवं पवित्र अवधारणा भी है। इसे युद्ध के साथ मिलाकर कुछ भी हासिल करने वाली बात से जोड़ना प्रेम की छवि को धूमिल करना ही होगा। वह प्रेम जो सब कुछ जायज मानता है, सिर्फ स्त्री का आकर्षण ही हो सकता है, मोह हो सकता है। इस जीवन में भौतिक आकर्षण क्षणिक है, इसलिए विचार रहित भौतिक प्रेम को दोष नहीं दिया जा सकता। भारतीय साहित्य निस्वार्थ उदान प्रेम के विवरणों से भरा पड़ा है। इस प्रेम में अपना अहंकार त्यागना पड़ेगा। जैसा कबीर जी ने कहा है कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। यह प्रेम तो हमें सहनशीलता पैदा करता है, त्याग के लिए हमें तैयार करता है और हमारी संवेदना को इस कदर जगा देता कि हम सारी कायनात से प्रेम करने लगते हैं। घर से प्रेम, समाज से प्रेम, देश से प्रेम, प्रकृति से प्रेम, अपनी धरती से प्रेम।
ऐसे प्रेम में सब कुछ जायज वाली बात मिलाकर सोचो तो वह उसको प्रभाव को कम कर देती है और हमें अंदर से लगता है कि प्रेम तो त्याग करने व दुनिया को कुछ प्रदान करने की ताकत देता है, न कि कुछ भी करके छीनने के। पर एक पहलू तो यह भी कहता है कि भले ही प्रेम को बख्श दो, पर यथार्थवाद तो यह कहता है कि युद्ध और साम्राज्य तो सब कुछ जायज मानकर ही जीते गए हैं। चाणक्य से लेकर मैकियावेली तक तो यही करते रहे। आज के नेता भी तो इसी अवधारणा पर चलकर सत्ता हथियाने एवं बनाए रखने के प्रपंच में लगे हुए हैं। वे अभी कहते हैं कि भारतीय परंपरा में तो साम दाम दंड भेद सबकी बात की गई है। अंतिम रूप से न्याय व इतिहास उसी के साथ होता है जिसके हाथ में जीत होती है। अंग्रेजों ने भारत को छल से जीता, पर क्या उसमें कुछ नया था? क्या वही पहले से जो दुनिया में होता रहा, जो इतिहास में होता रहा, घटनाएं घटी थी, वही तो उसमें भी दोहराया गया? जो धार्मिक पंथ यह प्रचारित करते थे कि रास्ता भी अच्छा होना चाहिए, वे खुद अमानवीय रास्तों पर चल अपना प्रसार करना बंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि यथार्थवादी रास्ता ही यही था। धर्म की भारतीय अवधारणा कर्म पर जोर देती है, यह कर्म भी धर्मयुक्त होना चाहिए। जहाँ कर्म अधर्म का ही हिस्सा हो, गलत तरीके से सभ्यताओं को जीतने व राज करने का तरीका हो, उसे हम सही कैसे कह सकते हैं? तब तो ISIS जो ISIS संगठन है, बोको हराम, तालिबान को भी सही ठहराना होगा, क्योंकि वह लगातार जीत रहे हैं। सच तो ये है कि सही रास्ते पर चलना एक ऐसा आदर्श है जिसे बहुत कम लोग ही वहन कर सकते हैं। पर क्या असत्य हिंसा को ही सही मार्ग के रूप में स्वीकार कर लिया जाना चाहिए? क्योंकि इतिहास में इस रास्ते से ज़्यादा सफलता लोगों को मिली है और आज भी लगभग सफलता के मानक यही है। अपराधी मानसिकता के लोग सत्ता, धर्म, व्यापार, यहाँ तक कि खेलों को भी अपने प्रभाव में लगातार ले रहे हैं। भारत में राजनीति एवं व्यापार में वही आगे बढ़ता दिख रहा है जो सब कुछ जायज है कि अवधारणा पर चल रहा है। तो फिर क्या सत्य, अहिंसा, साधन एवं साध्य की पवित्रता, यानी कि जितने भी सही रास्ते हैं, संतुलित रास्ते हैं, उन्हें कूड़ेदान में होना चाहिए? यह भी एक प्रश्न बनता है। निश्चय ही नहीं, क्योंकि अभी भी लोगों को उम्मीद है अगर कुछ भी करके सत्ता हथियाने वाले नेता हैं तो प्रकाश एवं मंदाकिनी आमटे भी हैं, जो अपने कर्तव्य के लिए अपने एकमात्र पुत्र की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुनिया में सच्चाई का मार्ग बंद नहीं हुआ है। लोग व्यवस्थाओं से घिरे हैं, पर अधिकांश की आत्मा मरी नहीं है। वे अंदर ही अंदर अपराध के बोध को महसूस करते हैं, सच्चाई को सराहते हैं। जैसे अन्ना हजारे जैसे वृद्ध केवल सच्चाई के बल पर ही राष्ट्र की आशाओं के केंद्र यूं ही नहीं हो जाते हैं। जैसे कोई भी काम कराना होता है, कोई भी धरना प्रदर्शन, तो आप जानते हैं कि कितना इस तरह से बड़ा उनका एक तरह से जलवा है देश में। क्योंकि कोई भी काम होता है तो सरकार के ऊपर डायरेक्टली वो दबाव बना देते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि इतिहास में अथवा आज की परिस्थितियों में यह सही भले ही लगता हो कि युद्ध व प्रेम में सब कुछ जायज है, पर इस बात की संभावनाएं भी जीवित हैं कि एक दिन मनुष्य जायज रास्ते, जो सही रास्ता है, सच्चाई का जो मार्ग है, उस पर जरूर चलेगा और मानवता को बचाने का आखिरी रास्ता होगा। बुद्ध, ईसा मसीह, महावीर, गांधी जी का रास्ता हमेशा हिटलर, मुसोलिन, चंगेज जैसे भटके हुए लोगों को मार्ग दिखाता रहेगा। आखिर हमें तो यह भी देखना होगा कि सब कुछ जायज मानने वाली व्यवस्थाओं को हासिल क्या हुआ? हत्याएं, भय, झूठा अहम, मानवता की कराहे। और यदि इसके विपरीत हम साधन को सही तरीके से पाने के लिए दृढ़ हो जाएं, संकल्प कर लें, तो दुनिया कितनी सुंदर हो सकती है। यह तुलना हमें सही रास्तों पर ले जाएगी। यह विश्वास हमें बनाए रखना ही होगा और यही हमारी सभ्यता की बेहतरी का सबसे अच्छा रास्ता भी होगा। तो यही था हमारा आज का सबसे अच्छा टॉपिक कि युद्ध और प्रेम में क्या सब कुछ जायज है, कि जिस तरह से इतिहास में जो घटित घटनाएं थी, देखिए दोनों तरह से एग्जांपल हमारे सामने थे, हमने दोनों तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, दोनों ही बहुत ही अच्छे से समझा गया होगा। एक बार अगर आप और वीडियो को देख लेंगे तो आपको सभी जो प्रश्न है, जो भी आपके अंदर डाउट था कि युद्ध और प्रेम में क्या सब कुछ जायज होता है या नहीं, कहाँ पे कौन सी गलतियाँ हुई और कहाँ पे नहीं, कहाँ पे कौन से शासक, चाहे वो तानाशाह हो, उसने अपनी मनमानी करने के लिए, अपने पूरे जो वादे हैं उसको पूरे करने के लिए क्या क्या किया। इसी प्रकार से बने रहिए, जल्दी एक नए टॉपिक पे, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे लेके मैं आप सभी के सामने आऊँगा। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।